और फ्रेंड आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह मैंने बाहर मसाले सुखाए थे तो 2 मिनट में ही हालत ऐसे खराब हो गई थी। बहुत ज़्यादा बहुत तेज धूप है, कई दिन से बारिश भी नहीं हो रही है यहाँ पे। हरतालिका तीज पे जो मैंने नारियल की मिठाई बनाई थी, तो उस दिन तो मैंने बताया था मेरा ट्रैकपोर्ट खराब था और मैं आप लोग के साथ वो रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी। आज मैंने रात में, मतलब कल रात में मैंने वो मिठाई बनाई थी, तो आप इसको देख लीजिए। मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, नारियल की मिठाई कैसे बनाई थी, वीडियो देखिए और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो चलिए देख लेते हैं नारियल की मिठाई कैसे बनती है, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो ये मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, और जब ये आधा हो गया था तब मैंने इसमें डाल दी है चीनी 1 बड़ी कटोरी, मतलब मीडियम कटोरी है, बड़ी भी नहीं कह सकते। और मेज़रमेंट के हिसाब से देखूँ तो ये है 1/2 kg से कम और 250 ग्राम से ज़्यादा, मतलब इसमें। और मीठा तो आप कम ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हो। दूध की भी कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है आप दूध, ये जैसे मेरे पास गाय का दूध था तो मैंने ये 1.5 लीटर दूध लिया है। अगर आपके पास पैकेट वाला है, फुल क्रीम का दूध है, भैंस का दूध है, तो आप उसको 1 kg से भी आराम से इजीली बना सकते हो। तो देखिए जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई और थोड़ा दूध भी, मतलब थोड़ा सा पतला हो गया था, चीनी डालने के बाद पतला हो जाता है, तो मैंने उसके बाद डाल दी है जो, जिससे मैंने चीनी ली थी उसी से मैंने नारियल का बरोदा डाल दिया। इसमें देखिए मेजरमेंट का कोई ऐसा वो नहीं होता है, ये आप कम ज़्यादा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी कर सकते हो। तो इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि मतलब दूध इतना होगा तो चीनी इतनी होगी, वो कम ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन है इसका स्टेप यही होता है, बस हमको कितने तक ये पकाना है, कितना इसका बैटर हमें गाढ़ा करना है। तो अब ये देखिए धीरे धीरे अब पकते पकते ये गाढ़ा होने लगा है, इसको बराबर चलाते रहेंगे, क्योंकि ये नहीं तो जब गाढ़ा होने लगता है ना, अगर हम इसको बंद कर देंगे चलाना तो ये नीचे तली में पकड़ जाता है, मतलब चिपक जाता है। तो इसलिए जब ये गाढ़ा होगा तो इसको बराबर चलाते रहेंगे, और बस इसकी यही पहचान है, जैसे आप जब इसको चलाते हो ना तो नीचे से एकदम वाइट और ड्रायर सा निकलता है, जैसे जमा जमा से ना होते, सूखी सूखी चाशनी सी जैसे दिखाई देती है। जैसे अब मैं इसको चला रही हूँ ना, तो जब इसको चलाते हैं नीचे का जो ऊपर आता है तो वो एकदम ड्राई सा रहेगा, वाइट सा, मतलब जैसे जमने वाली चाशनी सी। और बस इस स्टेज पे हमें ये बंद कर देना है बिल्कुल। अब देखिए जैसे ये बैटर है ना, बिल्कुल हमें इस तरह से ही बंद करना है, एकदम ये कढ़ाई को तो छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी, मतलब जैसे ये नहीं कि बैटर इकट्ठा हो जाएगा छोड़ देगा, पर ये जैसे मैं चला रही हूँ ना तो नीचे से एकदम सूखा सा वाइट वाइट हो रहा है, मतलब एकदम जमने की कंडीशन में है। तो अब इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसको नीचे उतार के हमें तुरंत इसको थाली में नहीं फैलाएंगे, पहले मैं इसको खूब अच्छे से ठंडा करूँगी, मतलब एकदम ठंडा नहीं करना है पर इतना करना है कि हम इसे हाथ से टच कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल देखिए जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे आपको पता चल जाएगा ये जमने की कंडीशन में है, तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा, लगने लगेगा कि जमने वाला है। तो अब मैं इसको थाली में फैला देती हूँ। तो बस हाथ से या बेलन से आप इसे फैला दें, और इसके ऊपर ना मैंने थोड़े से बारीक पिस्ता काट लिया था, बारीक बारीक, या बादाम, जो भी आप लगाना चाहें, मतलब इसके ऊपर से लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। और उसके बाद उस पर भी ना थोड़ा बेलन चला दें ताकि वो अंदर चिपक जाएगा अच्छे से मिठाई में। तो बस इसके बाद तो इसको ठंडा होके इसके पीस काट लेंगे और बस हो गई हमारी रेडी नारियल की मिठाई। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ी सी लंच की तैयारी। तो मैंने आलू को उबाल लिया है और ये है कड़ी पत्ते का पेड़, तो ऐसे ही छोटे छोटे 2-3 पेड़ हो रहे हैं कड़ी पत्ते के, तो ये आलू मैंने उबाल लिए हैं। और आलू थोड़े से मैंने ज़्यादा उबाले हैं, मैं 2 रेसिपी बनाऊंगी इसी एक, मतलब इसी का बैटर एक साथ ही तैयार करूंगी दोनों रेसिपी का। तो शाम को इवनिंग में चाय के साथ, मतलब ब्रेड टोस्ट बनाऊंगी इसी वैसे, और इसी से मैं बनाऊंगी भरवा शिमला मिर्च, तो एक ही बैटर मैं तैयार करूंगी। तो चलिए कर लेते हैं। तो मैंने आलू को छील लेती हूँ फटाफट, तो बस पूरे आलू को मैं एक साथ मैश कर लूंगी, चाहे हाथ से कर लें, चाहे पोटैटो मैशर से कर लें, मतलब कैसे भी कर लें आप, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे।
और इधर गैस पे मैंने रख दिया फ्राई पैन में पानी, मतलब 1.5 गिलास पानी रख दिया और तीनों शिमला मिर्च को इसमें रख देंगे 2 मिनट के लिए उबालने के लिए। और इसका डंडी नहीं काटेंगे, नहीं तो पानी ना बहुत ज़्यादा अंदर भर जाता है और उसका टेस्ट थोड़ा सा वैसे ही हो जाता है। उबाल के इस तरह से थोड़ी सी स्टीम लगा लेंगे ना तो बहुत ही अच्छी इसका टेस्ट आता है शिमला मिर्च का, जो एक कसापन सा गले में लगता है वो चीज़ नहीं लगती है। तो बस मैं इसमें डाल दूँगी जीरा और थोड़ी सी सरसों डाल दी है और फिर मैं डाल दूँगी प्याज, बस इनको थोड़ा सा कलर चेंज तक रोस्ट करेंगे। और इधर शिमला मिर्च भी मेरी उबल गई है तो वो मैंने गैस बंद कर दिया और थोड़ा सा मैंने डाल दिया कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, इनको डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं मसाले। तो मैंने डाल दिया हल्दी है, नमक है, धनिया पाउडर और सब्जी मसाला, देगी मिर्च, क्योंकि देगी मिर्च में थोड़ा सा इसलिए डालती हूँ क्योंकि हम लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, मैं हरी मिर्च डालती हूँ, और नमक डाल दिया है और बाकी इसमें लहसुन अदरक का मैंने पाउडर डाल दूँगी। आपके पास पाउडर नहीं हो तो आप पेस्ट डाल दीजिए और नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दीजिए, कोई इसमें कोई टेस्ट का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस इनको मसालों को भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी और भुनने के बाद डाल देंगे इसमें आलू, आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे मसाले के साथ और बस हमारा इस तरह से स्टफिंग हो गई है तैयार। तो चलिए मैं शिमला मिर्च को भर लेती हूँ। अब मैं इसकी जो डंडियाँ है ना उनको काटेंगे और बहुत बड़ा हॉल नहीं बनाएंगे इसको, बिल्कुल चाकू को ना इसके चारों तरफ साइड से लगाएंगे और धीरे धीरे इसकी बस डंडी का ही एरिया तक काटेंगे। तो बस इनको काट के मैं निकाल लूँगी तीनों को और निकाल के बस इनको अच्छे से भर लेंगे, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं भरेंगे क्योंकि जब सीखती है ना तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा होगा वो सारा निकल के बाहर आ जाएगा। तो बस इनको जितना ईजिली आ जाएगा उतना मैं भर के और बस उसी कढ़ाई में फिर मैंने जिसमें मैंने आलू फ्राई किया था उसी में थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल डाल दिया और बस इसको मैं स्टीम कर लूँगी, मतलब अच्छे से सेक लेंगे पलट पलट के दोनों तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स शिमला मिर्च मेरी हो गई है रेडी, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और आपकी एक ही मेहनत से 2 रेसिपी तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने शाम को बनाया ब्रेड टोस्ट। तो बस बैटर तैयार ही था तो शाम को जब ये ऑफिस से आए और शुभी भी अपनी कोचिंग से आई तो फिर मैंने इसका ब्रेड टोस्ट बना दिया था। और बस इस तरह से चाय उस पर ही तवे पे मैं सेक लेती हूँ, देसी घी लगा के अच्छे से कुरकुरा सीख जाता है और बस बीच में से कट करके मैंने चाय के साथ इन लोग को सर्व किया। तो चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।